सो गाइस खाला के चेलों ने करा रो और ऑस्ट्रेलिया शॉक। हां जी गाइस, हम डे 3 के एंड की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सेकंड। न्यूजीलैंड ने कमबैक करते हुए क्या परफॉर्मेंस दी है, ऑस्ट्रेलिया को कर दिया बिल्कुल शॉक। और इनके पीछे है रचिन रविंद्रा जिन्होंने अच्छी खासी फिफ्टी मारी है। डैनी मिशेल ने भी एक अच्छी तेज पारी खेली है जिसके बदौलत वो उन्होंने 50 मारी है। स्कॉट कूजलिंग ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया अपनी साइड से। तो ये थी डे 3 की परफॉर्मेंसेस जिसमें आउटशाइन सिर्फ पैट कमिंस कैप्टन ही कर पाए हैं, 4 विकेट चटकाए उन्होंने, नेथन लाइन ने उनका साथ दिया, बाकी की बात मान लो। तो बात हमने कल ही ये बोला था अगर 200 से ऊपर का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को मिलेगा तो उन्हें दिक्कत होने वाली है, यहाँ उन्हें 280 के आसपास का टारगेट मिला है और न्यूजीलैंड ने आते ही इनके 35 में 4 विकेटें गिरा दी, तो वो बिल्कुल बैकफुट पे थे। वो तो एंड में ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श की पार्टनरशिप हो गई तो फिर भी थोड़ा स्टेबल लग रहे हैं, पर अभी भी हम यही कहेंगे कि न्यूजीलैंड का ही पलड़ा भारी है क्योंकि सारे बैट्समैन तो पवेलियन जा चुके हैं। अब बात करते हैं कौन कौन बचा है, जो कि सिर्फ एलेक्स कैरी जो कि सिर्फ विकेट कीपिंग के पॉइंट खा रहे हैं और मिचेल स्टार्क वगैरह पैट कमिंस वगैरह इतने पॉइंट देते नहीं आपको बैटिंग से। कल ऑस्ट्रेलिया का फायदा तभी होगा जब टिम साउदी आगे थोड़ी बॉलिंग करेंगे क्योंकि वो अगर आएंगे तो वो फ्री के रन देंगे। वो अपनी कप्तानी का बहुत ज्यादा ही खा रहे हैं। हाँ, क्योंकि क्या वो बॉलिंग में तो सिर्फ मिचेल मैट हेनरी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बेन सियर्स भी अच्छी खासी विकेट चटकाई है, उन्होंने 2 आज जो कि उन्होंने कैच पकड़ी थी जो कि ड्रॉप करी थी मिचेल ने मार्नस लबुशेन की, लेकिन फिर उन्होंने अगली बॉल पे अपनी खुद की कैच पकड़ के उनके विकेट चटकाई थी। तो मैं यही सोचता हूँ अगर इनकी टीम में टिम साउदी अगर ये 10 बंदे से खेलते तो भी और न्यूजीलैंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती, या अगर ट्रेंट बोल्ट इनके स्क्वाड में होते तो वो ज्यादा उनके लिए खतरनाक होता। अगर ट्रेंट बोल्ट होते तो वैसे ही मिचेल स्टार्क वाला काम करते क्योंकि राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन जाता है मैट हेनरी के साथ ट्रेंट बोल्ट, तो टिम साउदी की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो बैटिंग से भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। बट अगर न्यूजीलैंड ये मैच जीतती है तो ऑस्ट्रेलिया को WTC पॉइंट ऑफ व्यू से भी झटका लगेगा क्योंकि वो अभी भी टेबल में 3rd नंबर पे है और न्यूजीलैंड 2nd नंबर पे है, तो न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी हो जाएगा और उनको परसेंटेज भी मिलेगी जिसके चलते क्या पता वो फाइनल भी खेल जाए क्योंकि जब से WTC आया है हर एक मैच की खुद की बहुत बड़ी वैल्यू है, तो बहुत जरूरी है हर मैच को जीतना या अपने पक्ष में लाना। तो WTC जो कि हम बात कर रहे हैं वो भी अभी 25 में आने वाली है, उसके लिए भी सारी टीमें लगी पड़ी है कि हमें जाना है। इंग्लैंड तो ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है क्योंकि इतनी गंदी तरह हराया गया उन्हें, तो ये तो है ही। बाकी जहाँ तक है अगर WTC की बात की जाए तो शायद ऑस्ट्रेलिया भारत का ये फाइनल देखने को मिले, पर खैर अभी उसमें बहुत टाइम है। मेरे हिसाब से अगर हम कल की प्रेडिक्शन करें तो अगर फर्स्ट सेशन में अगर उन्होंने 2 से ज्यादा विकेट नहीं खोई तो ही ऑस्ट्रेलिया कल जीतेगी, अदरवाइज हम देखेंगे कि ये सीरीज 1-1 करके ड्रॉ होगी। और शुरू का 1 घंटा ऑस्ट्रेलिया के दोनों बैट्समैन को देना पड़ेगा, चाहे वो रन ना बनाए लेकिन उन्हें बॉलिंग को संभालना पड़ेगा क्योंकि अगर एक भी विकेट चटकती है तो एक के साथ एक तो आई जाती है। और वो तो है, अगर ऑस्ट्रेलिया हारेगी तो थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा क्योंकि एज अ इंडियंस हमें उनसे दूसरे टाइप का प्यार भी चाहते हैं, ट्रेविस हेड जल्दी आउट होए जैसा न्यूजीलैंड चाहता है बिल्कुल क्योंकि कंगारूज तो लगी पड़ी है, उनकी कीविज उन पे बहुत भारी है आज के मैच पे। तो ये थी हमारी डे 3 की परफॉर्मेंसेस जिन्होंने अच्छा अच्छा, और एक स्टीव स्मिथ जिन्होंने जिनका तो हमने कल ही जिक्र किया था, नई बॉल से मैट हेनरी और स्टीव स्मिथ गारंटी विकेट थी, तो वही हुआ आज भी 9 रन पे मैट हेनरी उनको आउट कर गए। तो ये थी परफॉर्मेंसेस, मैट हेनरी तो आउटशाइन कर ही रहे हैं, उनका पता है उनको विकेट मिलनी है। तो ये था आज के मैचेस की परफॉर्मेंसेस जिसमें सबने आउटशाइन करा है, न्यूजीलैंड वालों ने उन्होंने दिखाया कि हमारे घर पे आए हो तो थोड़ा तो हार का मजा ले। और मैं अभी भी ये मानता हूँ अगर जैसे रोहित शर्मा इंडिया वाले टेस्ट मैच में तीसरे दिन क्या नाम है ग्राउंड पे नहीं आया, अगर कल टिम साउदी भी ग्राउंड पे नहीं आए तो न्यूजीलैंड पक्का जीतेगी, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। तो ये थी आज के मैच की बातें और कल की प्रेडिक्शन। कल अगर 1-2 विकेट गिरती है जल्दी तो न्यूजीलैंड पक्का जीत ही रहा है, अगर इन्होंने बैक स्टेप करके डिसिप्लिन दिखाया तो क्या पता ऑस्ट्रेलिया ले जाए। तो मिलते हैं गाइस कल की प्रेडिक्शन के साथ, कल आपको बताएंगे कि और क्या हुआ टेस्ट मैच में। बाय बाय।